कुशैक। सो कुशैक का भी देखो कैसा है ना, स्कोडा ने ये पूरा गाड़ी डिजाइन किया इंडिया के लिए। ओके, इवन कुशैक मींस एम्परर, किंग इन संस्कृत। तो उसका गाड़ी का नाम भी उसने इंडियन ही रखा है। तो ये डिजाइन पूरा जो है ना, क्योंकि स्कोडा अभी क्या बोल रहा है, स्कोडा बोलता है कि वी आर बिकमिंग इंडियन। ओके, हम लोग इंडियन। बाकी गाड़ी अगर आप, मैं सबको बोलूंगा, मतलब दोज हु विल सी दिस वीडियो, ओके, कि आप अगर सेल्टोस, क्रेटा या कुछ ऐसा लेना चाहते हो, ओके, ये सेगमेंट में देख रहे हो, तो जस्ट गो एंड टेस्ट ड्राइव द कुशैक आल्सो। मुझे है ना गाड़ी है ना फ्रंट से बैक से एक मैच्योर प्रोडक्ट लग रहा है ये। ठीक है, किया है और दिखने के लिए गाड़ी तो बहुत मस्त दिख रही है एकदम। मेरी लड़की तो गॉर्जियस बोलती है, गॉर्जियस दिख रही है गाड़ी। दमाले, दमाले भाई। बहुत अच्छा बेच मिल रहा है गाड़ी में। ये स्ट्रिप दिया है तो ये दिस इज आल्सो गुड ना, ये नॉर्मल गाड़ी में नहीं रहता। नहीं, नहीं रहता क्योंकि अगर सपोज जिसका हाइट कम है तो छोटा टच चीज का स्कोडा ने ध्यान दिया एक्चुअली। मतलब तो श्री मुझे बता, ये गाड़ी का आपको माइलेज कितना मिल रहा है अभी ये गाड़ी में, और आपका जो आप गए थे अभी रिसेंटली लॉन्ग ड्राइव पे, वो रास्ते के कंडीशन कैसे थे उसके हिसाब से? रेडसन था वो भी ऑलमोस्ट लाख रुपए में चला गया। एक लाख रुपए में? सस्ते में बहुत। गाड़ी को अब हम जरा खींचेंगे फर्स्ट गियर पे। आप देख सकते हो जो फर्स्ट गियर पे जो पिकअप मिल रहा है ना, बहुत ही अच्छा पिकअप मिल रहा है गाड़ी पे। आप देख सकते हो जो रिस्पांस है इंजन का, जो गाड़ी का रिस्पांस है बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। मन ये नॉर्मल 1 लीटर इंजन ऐसा नहीं है, ये टर्बो चार्ज इंजन है। आज हम रिव्यू करने वाला है स्कोडा कुशैक। मेरे साथ है श्री, ये गाड़ी के ओनर है और ये गाड़ी 2-3 महीने से चला रहे हैं। ये गाड़ी का पूरा डिटेल वीडियो होने वाला है, गाड़ी का सर्विस कॉस्ट कितना आता है, माइलेज कितना मिल रहा है लोकल पे, हाईवे पे। तो ये कंप्लीट, जिसको भी नई गाड़ी लेना है ना स्कोडा कुशैक, उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाले हैं। तो श्री है मेरे साथ और दिखने के लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। ये बेसिकली ये रेड कलर है ना, बहुत ही प्रीमियम दिख रही है गाड़ी, और ओवरऑल जो डिज़ाइन है ना वो भी बहुत अच्छा है। फ्रंट से, बैक से, मीन साइड से बहुत ही प्रीमियम लुक आ रहा है इसमें। ब्रांडिंग भी आप देख सकते हैं स्कोडा की, यहाँ पे बहुत ही अच्छी ब्रांडिंग दिख रही है यहाँ पे। और ओवरऑल मुझे है ना गाड़ी है ना फ्रंट से, बैक से एक मैच्योर प्रोडक्ट लग रहा है ये। ठीक है, कुशैक की, स्कोडा और कुशैक की ब्रांडिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ओवरऑल टेल लाइट भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं, रूफ रेल्स भी आते हैं गाड़ी के साथ। एक बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी है गाड़ी का, और यहाँ पे आप अलॉय व्हील्स देख सकते हैं और बीच में स्कोडा का लोगो। तो ओवरऑल लुक्स बहुत अच्छा है गाड़ी का, गुड। श्री मुझे एक बताओ, इसका जो आउटपुट है ये प्रोजेक्टर हेडलाइट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ये बहुत अच्छा है। ओके, ये बेसिकली एक है कि इसका जो ये जो है फॉग लैम्प है, थोड़ा ऑड है। जनरली फॉग लैम्प थोड़ा ग्राउंड लेवल पे नजदीक रहता है, करके इसका थोड़ा ऊपर है। ओके, बट इट इज ऑल्सो सफिशियंट, मतलब अभी तक मैंने फॉग लैम्प का ऐसा फॉगी एरिया में जाके यूज नहीं किया है। ओके, बट हेडलाइट इज सफिशियंट। अभी मैं गया था नाइट ड्राइव किया, तो हेडलाइट इसका थ्रो भी बहुत अच्छा है। एंड कंपेयर टू मैंने सेल्टोस भी चलाया था, मतलब उसका थोड़ा नाइट ड्राइविंग किया था, तो उसका जो हेडलाइट का जैसा रिव्यूज है वैसा, उससे तो मच मच बेटर है ये। ये डे लाइट एलईडी वाला लुक देख सकते हैं अभी गाड़ी का फ्रंट लुक, तो एक बहुत ही ब्राइट एलईडी है।
और अंदर आप देख सकते हैं स्कोडा क्रिस्टल लाइटिंग करके ब्रांडिंग किया है। और दिखने के लिए गाड़ी तो बहुत मस्त दिख रही है एकदम, मेरी लड़की तो गॉर्जियस बोलती है, गॉर्जियस दिख रही है गाड़ी। ठीक है, अभी हम है ना NCS का सॉन्ग प्ले करेंगे और आपको इसका म्यूजिक क्वालिटी कैसा है ना वो बताता हूँ आपको। तभी ये का NCS का ऐड चल रहा है, NCS का ये प्ले कर रहे तो ऐड आ रहा है बेसिकली। तो हम या चालू हो गया अभी। कैसे इसे बेस मिल रहा है, इसे सॉफ्ट बेस आता है क्या म्यूजिक में? ओह नाइस, गुड मैन। तो बेस बहुत अच्छा मिला गाड़ी में, लिटरली मेरे पैर है ना वो शेक कर रहे हैं। तो जो आउटपुट है ना, श्री सही बोल रहा कि बहुत खतरनाक आउटपुट है एकदम। पता नहीं है कौन सा ब्रांड के, स्कोडा के खुद के है ना ब्रांडिंग, ऐसे पता है ब्रांडिंग उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया था स्कोडा के। ओके, बट आपका टॉप मॉडल में स्कोडा का ही स्पीकर आता है और उसमें वूफर भी आता है। ओके ओके, पीछे वो आप बोले सीट के नीचे, लेकिन ये भी सफिशियंट है, बहुत अच्छा बेस है, बहुत सही है, बज रहा है, धमाल है, धमाल है भाई, मस्त चलता है। तो आपको ये कुशाक का स्कोडा कुशाक का बूट स्पेस बताता हूँ मैं। ऑलमोस्ट 385 लीटर का बूट स्पेस है और ये बहुत प्रैक्टिकल बूट स्पेस है। ऑलमोस्ट आपके लगेज है ना यहाँ पे प्रॉपर रह सकता है, यहाँ पे 3-4 बैग तो आराम से रह सकते हैं, राइट श्री? आराम से। बेसिकली आप सेल्टोस और क्रेटा का कंपेयर करोगे, ओके, सो ऑन पेपर इट्स बिगर, ओके, बट प्रैक्टिकली उसको फिट करने जाओगे तो कुशाक एज अ मोर स्पेस, एज अ प्रैक्टिकल बूट स्पेस। ओके ठीक है। और ये बूट में भी आप देखोगे ना यहाँ पे उसने मस्त फीचर्स दिए है। okay. यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 kg, हाँ हुक्स दिया है 3 kg का। okay. लाइट है, फर्स्ट एड बॉक्स है, एंड यहाँ पे एक स्ट्रिप दिया है टू होल्ड। okay. इसके नीचे अपना स्टेपनी है। टॉप मॉडल में यहाँ पे स्टेपनी के नीचे बूफर भी आता है, सो वो एक है। और आई मतलब ये स्ट्रिप दिया है, यहाँ से तो आपको रेयर पैसेंजर का सिटिंग कंफर्ट और लेग स्पेस कैसा मिल रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा लेग स्पेस मिल रहा है और आपको यहाँ पे हैंडरेस्ट मिलता है। ओके, तो आराम से आप रख सकते हैं। 2 कप्स है, कप होल्डर भी मिल रहा है यहाँ पे, रेयर एसी इवेंट भी मिल रहा है यहाँ पे, रेयर एसी इवेंट है। 2 यूएसबी पोर्ट, टाइप 3 चार्जर है ना, टाइप 3 पोर्ट, टाइप सी, टाइप सी चार्जर है। ये गुड है, नॉर्मली अभी देख रहे हैं नॉर्मल यूएसबी चार्जर है, वहाँ पे 1 लीटर का 2 बोतल रखा हुआ है। करेक्ट, हाँ, तो बहुत प्रैक्टिकल है ये भी। यहाँ पे भी सेम आपको मिलेगा 2 लीटर, ये भी बहुत अच्छा है, 1 लीटर का 2 बॉटल रखा है यहाँ पे। इंडिविजुअल लाइट से मतलब यहाँ पे आपको इसको बंद करना है, देन यू कैन क्लोज इट। अभी ये दरवाजा खुला है इसके लिए। ओके ओके, तो ये हैंड रेस्ट भी बहुत प्रैक्टिकल हैंड रेस्ट है। मैंने नॉर्मली कैसा देखा है कि वो नीचे चला जाता, राइट? तो ये बहुत, अगर 3 हेल्दी लोग जैसा मेरे जैसे बैठते हैं तो थोड़ा सा शोल्डर टू शोल्डर कंजेस्टेशन होगा। ओके, बट 2 एडल्ट एंड 1 चाइल्ड इज ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं हेडरेस्ट भी, 3 हेडरेस्ट दिखा है और
ओवरऑल अच्छा सीटिंग कंफर्ट है, बैक साइड पे मुझे नहीं लग रहा है कुछ ऐसा थकावट ऐसे महसूस होगी यहाँ पे, तो ओवरऑल गुड है। थैंक यू श्री। तो श्री मुझे बताओ ये गाड़ी का आपको माइलेज कितना मिल रहा है अभी ये गाड़ी में, और आपका जो आप गए थे अभी रिसेंटली लॉन्ग ड्राइव पे वो रास्ते के कंडीशन कैसे थे उसके हिसाब से जरा माइलेज कितना मिला वो बताओ जरा। ओके, तो सबसे पहले मैं गया था लॉन्ग ड्राइव के लिए, ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर्स का ड्राइव था मेरा। ओके, राउंड ट्रिप टूवर्ड्स मुंबई टू गणपतिपुळे। ओके ओके, एंड एज यू नो लाइक मुंबई गोवा हाईवे जो चल रहा है काम, उसका बीच बीच में पैचेस अच्छे हैं, बीच बीच में देर आर डिफिकल्ट रोड्स। ओके, छोटा छोटा रोड्स है, बीच में बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो ऐसा कोई कांस्टेंट स्पीड नहीं था कि मैं कांस्टेंटली जैसा मुंबई पुणे में एक्सप्रेस हाईवे, हाँ एक्सप्रेस हाईवे में कैसे हम लोग चले जाते हैं, टिका रख के चले जाते हैं, क्रूज पे डाल देते हैं, तो वो एक था। बट स्टिल ऑन एन एवरेज मेरा स्पीड तो 40 के आसपास था। ओके, और मुझे गाड़ी ने माइलेज दिया ऑलमोस्ट 14.13.5 लेके 14.5। ठीक है, और नॉर्मली आप वहाँ पे कैसा थर्ड मींस फोर्थ, बहुत अच्छा रोड्स है, फोर लेन्स रोड बना हुआ है। ओके, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 140 तक गया था गाड़ी और कोई प्रॉब्लम नहीं था। ओके, और ओवरटेकिंग में तो बेसिकली आपको माइलेज यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि नॉर्मल ऐसा नॉर्मल सिटी कंडीशन में आप बोल रहे हैं 13-14 का मिल जाएगा, मिल जाता है 13, वहाँ पे आप गाड़ी थर्ड फोर्थ गियर पे चलाते हो, थर्ड गियर पे ही चलाते हो, तो 13-14। और एक्सप्रेस पे आप बोल रहे हैं कितना मिल सकता है गाड़ी को, गाड़ी एक्सप्रेस पे 18 तक जाता है। ओके ओके, और 18 मैंने अभी एक्सप्रेस भी नहीं बोलूंगा क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं अभी पनवेल से जब वाशी जाता हूँ, ओके ये तो नॉर्मल स्ट्रेट रोड है तो ये नहीं रहेगा, तभी 18-19 मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जैसा ही मैं वाशी का टोल पे जाता हूँ गाड़ी जैसा ही खड़ा हो जाता है ट्रैफिक में, आपका पूरा माइलेज काट लेता है। ओके, मतलब ऑब्वियस है वो गाड़ी रुक जाता है, हमको फर्स्ट गियर में थोड़ा थोड़ा मूव करना पड़ता है, सो ऑब्वियस लाइक माइलेज काट लेता है। और ये 1 लीटर टर्बो इंजन का परफॉर्मेंस आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। मैंने 1 लीटर भी ट्राई किया, 1.5 लीटर भी ट्राई किया। 1.5 लीटर सिर्फ टॉप मॉडल में आता है। ओके ओके, और दैट इज सुपीरियर फॉर यू हैव एक्सप्रेस वे ड्राइविंग। ओके, बट 1 लीटर टर्बो इज ऑल्सो सुपीरियर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इवन आई विल से ये उसका परफॉर्मेंस जो नॉर्मल 1.5 लीटर का जो सिमिलर सेगमेंट में आता है क्रेटा या सेल्टोस, उससे भी बेटर है। ओके, और ओवरटेकिंग या फिर आपको स्पीड में एक्सलरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ऑलमोस्ट 9 सेकंड या 10 सेकंड का क्लेम करती है कंपनी टू रीच 100 किलोमीटर्स पर आवर का स्पीड। ओके, सो इवन अभी भी देखिए मैं गाड़ी जस्ट खींच रहा है पूरा गाड़ी। ओके, सो इट्स अ गुड प्लेजर टू ड्राइव, प्लेजर टू ड्राइव। ओके, मैंने दूसरे गाड़ी का भी टेस्ट ड्राइव लिया था। ओके, कौन सा गाड़ी का लिया? ज्यादा सेल्टोस का लिया था, क्रेटा का लिया था, इवन आई गॉन फॉर डस्टर आल्सो। ओके ओके, बट डस्टर तो बहुत पुराना था, बट सेल्टोस ये सब में इतना ड्राइविंग का मतलब इंजन का जैसा फील नहीं आता। जैसा आप जब गाड़ी में बैठे रहोगे, जब गाड़ी आपने डोर क्लोज किया रहेगा, जो बम्प आता है, जो फील आता है, दैट इज अ प्रीमियम फील। ओके, जो आपको ना मुझे ना इसमें सेल्टोस में तो बिल्कुल दिखाई नहीं दिया। ओके, मतलब आई डिडंट फील दैट कि ये प्रीमियम टाइप है, बट आप जब कुशाक चलाओगे, नहीं ये गाड़ी अभी मैं देख रहा हूँ ना, बहुत सारे कुशाक लोग ले रहे हैं एक्चुअली, दे आर प्रेफरिंग द स्कोडा ब्रांड एंड कुशाक। यस, तो क्यों, आपको क्या लग रहा है क्यों लोग अभी ये सिलेक्ट कर रहे हैं? तो देखो मेरा पहला पुराना गाड़ी छोटा गाड़ी था, डेटसन था। ओके ओके, और वो मुझे मैं निकाल रहा था, 8 साल मैंने यूज किया है वो, तो मतलब सिंगल ओनर ही गाड़ी था। ओके, फिर मैंने वो मुझे चेंज करना था, तो जब मैं गया सेल्टोस में तो वो बोला कि जब सी देखो आप एक बार आपका माइंडसेट रहता है कि आपको गाड़ी खरीदना है, तो मैं जाके बोलूंगा कि मुझे 6 महीना वेट करना पड़ेगा, 9 महीना वेट करना पड़ेगा, तो मतलब वो मजा वो फील चला जाता है, मेरे लिए तो ऐसा ही है। Still people wait for that car. हाँ, but मतलब पता नहीं मतलब कैसे होता है वो, मतलब मुझ में तो ऐसा नहीं है कि मैंने आज डिसाइड कर लिया कि मुझे गाड़ी लेना है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा महीना भर ठीक है यार। गाड़ी आपको कितने दिन में डिलीवर हो गई ये गाड़ी?
ये गाड़ी स्टॉक में था ओके जस्ट मेरा पुराना गाड़ी का सेल ऑफ करके और वो पूरा करके हार्डली 10 दिन में गाड़ी आ गया. गुड मैन. 10 दिन में गाड़ी डिलीवर होना. 10 दिन में गाड़ी आ गया और मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं था. स्कोडा का शोरूम बहुत अच्छा था. कोई इश्यूज नहीं था. ऑन रोड प्राइस के बारे में बताओ ना इसका कितना. ओके सो ये मॉडल बताओ कौन सा है और ऑन रोड प्राइस. ये एंबिशन मॉडल है. ओके इट्स अ मिड मॉडल. उसके ऊपर स्टाइल है और नीचे आपका क्या एक्टिव या कुछ तो है मॉडल. ओके सो स्टाइल मॉडल में भी दो वर्जन है. एक 1 लीटर एंड 1.5 लीटर. एम्बिशन में सिर्फ 1 लीटर का ही वर्जन आता है. ओके और उसमें कोई दूसरा आपको ऑप्शंस नहीं है. ओके तो बस वही है. और एम्बिशन इज वन ऑफ द बेस्ट मॉडल इवन इफ यू गो फॉर ऑटोमेटिक या फिर मैनुअल. ओके क्योंकि ये प्राइस इफेक्टिव है. मतलब ऐसा नहीं कि आप टॉप एंड मॉडल में जाओगे तो आपको इसमें एडिड फीचर्स आएंगे जैसे सनरूफ आएगा. करेक्ट. देन आपको वेंटिलेटेड सीट्स आएगा. ओके और दो तीन फीचर्स है. ऑटोमेटिक ओआरवीएम आएगा. ओके देन डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन का क्लस्टर आ जाएगा. बट सी आई एम अगर जो बंदा है जिसको फीचर रिच गाड़ी के ज्यादा से ज्यादा ड्राइविंग एक्सपीरियंस इम्पोर्टेंट है. ओके मतलब मुझे 100 फीचर्स दो और मुझे ड्राइविंग एक्सपीरियंस दो अच्छा तो आई विल गो फॉर ड्राइविंग एक्सपीरियंस. आई विल नॉट गो फॉर द फीचर रिच कार. ओके इसमें कंफर्टेबल फीचर्स है जैसे मेरा ऑटोमेटिक एसी है. मेरा क्रूज कंट्रोल है. ओके मेन फीचर्स व्हिच आई फील लाइक मैं अगर लॉन्ग ड्राइव पे जा रहा हूँ गाड़ी मैंने क्रूज पे डाल दिया 80 पे और वो चल रहा है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके ऑटोमेटिक एसी है. ओके सीट एडजस्टेबल है. ओके कोई बाकी ऐसा कुछ फीचर रिच तो नहीं है मैं बोल सकता हूँ कंपेयर टू क्रेटा और रिक्वायर्ड जो भी बट जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है इट्स मोर एक्सपोनेंशियल बेटर देन. इसका ऑन रोड कॉस्ट कितना बोला आपने इसका. इसका ये गाड़ी का ऑन रोड कॉस्ट मुझे पड़ा 13.5 तक. ओके 50,000 के अप्रोक्स पड़ा. और इसे इंश्योरेंस कॉस्ट कुछ पता है. इंश्योरेंस कॉस्ट नहीं क्योंकि देखो मैंने जब गाड़ी लिया तो मैं एक्चुअली बुक करने वाला था सेल्टॉस. मैंने जस्ट कॉल किया स्कोडा को. स्कोडा वाले ने जो सेल्स पर्सन था बोले जस्ट कम एंड सी वी हैव अ गुड ऑफर. तो एज अ ईयर एंड था उनका भी. तो एज अ ईयर एंड में बेसिकली ईयर एंड में हम मेरे को उसका डिस्काउंट मिला. ओके तो डिस्काउंट में ऑलमोस्ट डीलर ने मुझे 1.2 तक डिस्काउंट दिया. 1,20,000 तक डिस्काउंट दिया. एंड देन मेरा पुराना डैटसन था वो भी ऑलमोस्ट 1,00,000 रुपए में चला गया. 1,00,000 रुपए में. हाँ 1,00,000 रुपए सस्ते में गया यार. सस्ते में बहुत सस्ते में गया. बट ठीक है अभी क्या करेंगे. बट निकालना था फिर वेट. जब सब लोग ऐसे ही बोलते हैं कि बहुत सस्ते में गया बट एक्चुअली जब मैं उसको बेचने जा रहा था तो उसमें बहुत सारे इश्यूज थे. ओके तो लाइक डॉक्यूमेंट्स कुछ मिसिंग थे ये सब था. बहुत जमेला था. तो आई थॉट बेटर ओके जो मिल रहा है वो ले लो. ज़्यादा झंझट में मत जाओ. ओके लाइक सी अगर आपको उसमें टाइम डालना है ना तो आपके पास टाइम है आप डालो उसमें टाइम. बट अगर टाइम ही नहीं है तो आप क्यों करोगे. सेम में मैंने बोला कि गाड़ी लेना है तो 9 महीने का वेटिंग तो मैं नहीं करूँगा. 6 महीना वेटिंग नहीं करूँगा. बाकी गाड़ी अगर आप मैं सबको बोलूंगा मतलब दोज हु विल सी दिस वीडियो. ओके कि आप अगर सेल्टोस क्रेटा या कुछ ऐसा लेना चाहते हो. ओके ये सेगमेंट में देख रहे हो तो जस्ट गो एंड टेस्ट ड्राइव द कुशैक ऑल्सो. सीटिंग बहुत कंफर्टेबल है. शी लाइक दैट सीटिंग. फिर हम लोग उसके बाद हम लोग ने क्रेटा देखा. हम लोग ने सेल्टोस देखा. नेक्सॉन भी देखा. बट उसका जो कंफर्ट था सीट का कंफर्ट है ना वो बोल रहे थे कि नहीं वो सीट का कंफर्ट ऐसा आया नहीं. ओके बट यहाँ पे इन कुशैक आल्सो सेम सीट लेवल कंफर्ट है. ओके अगर आप मिड रेंज मॉडल देखेंगे सेल्टॉस के तो उसको हेडरेस्ट भी नहीं है बैक सीट को. ओके तो यहाँ पे इसका हेडरेस्ट है. ओके 3 हेडरेस्ट है. ओके सो दैट इज आल्सो गुड पार्ट. और सेफ्टी में इसमें एयरबैग कितना था. इसमें एयरबैग 2 है. ये मिड लेयर है. फ्रंट एंड को पैसेंजर का एयरबैग्स है. बट अगर आप टॉप मॉडल में जाते हो तो उसमें 6 एयरबैग्स का ऑप्शन है.
और टॉप मॉडल और इसमें कितना, ये मिड टॉप है ना? हाँ, ये मिड टॉप है, जस्ट बिलो द टॉप. यस, इसमें कितना प्राइस डिफरेंस है दोनों? इसमें अप्रोक्स कहते हैं 2-1 लाख का डिफरेंस है, 2 लाख से भी थोड़ा ज्यादा ही डिफरेंस है. ओके, क्योंकि उसका अलॉय व्हील्स भी चेंज होता है, ड्यूअल टोन अलॉय व्हील्स आता है उसमें. ओके, सो और ये पूछना था मुझे, रेड कलर और व्हाइट कलर में प्राइस डिफरेंस है कुछ ऐसा? नहीं नहीं, कलर्स में कुछ डिफरेंस नहीं है. एनी कलर? नहीं नहीं नहीं, एनी कलर, कलर में कुछ डिफरेंस. और इसका गाड़ी का सर्विस हो गया है? हाँ, ओके, सो सर्विस के लिए मैंने इनका 4 इयर्स का पैक लिया है. ओके, जो मुझे एक्चुअल में जो एक्चुअल प्राइसिंग है उसका 26 का, बट मुझे वो पर डिस्काउंट में कुछ 16,000 में मिला. तो एवरी 15,000 मुझे गाड़ी को सर्विस करवाना है. ओके, सो वो एक अच्छा है बेसिकली कि ओवरऑल. तो एक सर्विस हो गया गाड़ी की, कितना सर्विस हो गया अभी तक? नहीं नहीं, कुछ सर्विस नहीं हुआ अभी तक. पहला सर्विस सीधा 15,000 डायरेक्ट. हाँ, एक साल बाद 15,000 पे है. कुछ कुछ मैंने देखा है वो. हाँ, वो मतलब मेरा पुराना निसान था ना, डैटसन, उसमें तो ऐसा ही था, आज जाओ कल जाओ, किलोमीटर के बाद बुलाते हैं, उधर ही रहने जाना पड़ेगा. ऐसा लग रहा है कि अभी अभी हो गया, तो वो सब तो नहीं किया था. डायरेक्ट 15,000 डायरेक्ट 15,000. और 4 साल का है, तो 4 साल में 4 बार सर्विस रहेगा, और 4 साल का वारंटी है 1 लाख किलोमीटर का. तो मतलब आइडियली देखोगे तो फर्स्ट 4 इयर्स आपको कुछ खर्चा नहीं है इस गाड़ी पे. गुड मैन. ओके, अनटिल एंड अनलेस आपका कुछ वेयर एंड टेयर या कुछ ऐसा कुछ चीज होता है तो. ओके ओके, सो दैट्स बेटर थिंग, कि बाकी मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं. पहले सब लोग बोल रहे थे स्कोडा स्कोडा, तो मतलब यार उसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत है, उसका पार्ट्स का कॉस्ट बहुत है, बट सी नाउ थिंग चेंज. अभी पहले भी टाटा का कितना नाम खराब था ना. नहीं नहीं, वो अभी अभी देखो, टाटा इज वन ऑफ द प्रीमियम ब्रांड. हैरियर, पीपल प्रेफर हैरियर. देखिए, अगर हैरियर का बजट रहता तो मैं हैरियर ही लेता था. ओके, अभी देखिए टाटा में प्रॉब्लम क्या है. ओके, टाटा का कैसा है, नेक्सॉन है और उसके ऊपर हैरियर है. ओके, तो मुझे नेक्सॉन थोड़ा छोटा लग रहा था. ओके, और मुझे, क्योंकि मेरे दोस्त के पास भी नेक्सॉन है, तो मुझे वो भी बोलता है कि मुझे भी लगता है यार ये गाड़ी थोड़ा छोटा है. ओके, तो अगर टाटा का गाड़ी नेक्सॉन और हैरियर के बीच में कोई एक गाड़ी रहता था, जैसा कुछ कुछ बर्ड करके, हाँ, ब्लैक बर्ड, ब्लू बर्ड या ऐसा कुछ, तो मैंने सुना तो है. हाँ, बट वही होता है ना, लॉन्च कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो उस लाविया में भी 4 महीना निकल गया. ओके, okay, तो मैं सोचा कि नहीं, ठीक है, जो है ये टाटा गाड़ी बहुत अच्छा है, टाटा का नो डाउट गाड़ी बहुत अच्छा है, बट वो जो गाड़ी मेरे को जो साइज इसमें चाहिए था ना, वो नहीं था. तो बेसिकली अगर टाटा का रहता तो मोस्ट प्रोबेबली मैं टाटा पे ही जाता. ओके, ना कि आई विल नॉट, बट अगेन आई विल टेल यू स्कोडा कुशैक. सो कुशैक का भी देखो कैसा है ना, स्कोडा ने ये पूरा गाड़ी डिजाइन किया इंडिया के लिए. ओके, इवन कुशैक मींस एम्परर, किंग इन संस्कृत. तो उसका गाड़ी का नाम भी उसने इंडियन ही रखा है. ओके, तो ये डिजाइन पूरा जो है ना, क्योंकि स्कोडा अभी क्या बोल रहा है, स्कोडा बोलता है कि वी आर बिकमिंग इंडियन. ओके, हम लोग इंडियन फ्लेवर ला रहे हैं. चेक का जो कल्चर है, इंडिया का कल्चर है, हाउ इट्स सिमिलर. अगर आपने स्लाविया का भी ऐड देखा, उसका भी बहुत प्रमोशन कर रहे हैं. यस, सो ये गाड़ी टोटली 95% इज इंडियन. ओके, इसका पूरा सप्लाई चेन डिजाइन जो कुछ भी है वो पूरा 95% इंडियन है. तो इवन इफ यू थिंक दैट कि मेरे को पार्ट का कॉस्ट, जैसा पुराने में कैसा एसी बंद पड़ गया स्कोडा का, तो सीधा 1,00,000 रुपए का बिल आ गया. तो ऐसा मैंने बहुत जन से सुना भी है और मैंने देखा भी है एक्चुअली. ओके, तो ऐसा चीज नहीं है, क्योंकि अभी ऑब्वियसली अगर वो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है तो वो हो गए. श्री, मुझे एक बार ये MID और स्टीयरिंग कंट्रोल कैसे मैनेज होते हैं वो एक बार बताओ प्लीज. ओके, सो बेसिकली स्टीयरिंग पे ना 2 कंट्रोल्स है. ओके, ये बेसिकली आपका ट्रैक्स इन FM अगर चालू रहेगा तो वो आप शफल कर सकते हो. ओके, आप ये स्क्रोल से, आप ये बहुत अच्छा है, ये बहुत कुछ अलग गोली जैसा लग रहा है. गोली ही दिया है. सो बेसिकली ये वॉल्यूम कंट्रोल है. ओके, और वो क्या है, उससे क्या होता है वो? MID कंट्रोल हो रहा है वहां से, वो MID का हम लोग स्क्रॉल कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल यहां पे देखिए फंक्शंस है, जैसा टेलीफोन है, देन व्हीकल स्टेटस, बेसिकली आपको रिफ्यूल करना है या फिर सपोज आपका सर्विस ड्यू हो गया है तो वो आपको यहां पे दिखाएगा. यहां पे आपका ड्राइविंग डेटा है, ड्राइविंग डेटा में आपको दिखाएगा ये सीन स्टार्ट इकोनॉमी कितना. अभी देखो आज 15 बता रहा है ना, 15 का माइलेज दिखा रहा है स्टार्ट से.
ओके रेंज कितना है तो 95 किलोमीटर हम लोग जा सकते हैं. ट्रैवल टाइम एक घंटा हो गया हम लोग घूम रहे थे. ओके 22 किलोमीटर हम लोग ने ड्राइव किया है. ओके स्पीड ऑलमोस्ट अप्रोक्स 22 का था. ओके फिर अभी ये करंट स्पीड कितना है, वो टेम्परेचर भी बता रहे हैं नीचे 28. हाँ 28 बाहर का टेम्परेचर, ये रियल टाइम इकोनॉमी बताता है. ओके अब ये ट्रिप देखिए मेरा 763 है. जब मैंने अभी ये जैसा बोला था कि मैं गया था गणपति बोले तो तभी का है. ओके और यहाँ पे ये जो है ये जो आपको छोटा वाला दिख रहा है किलोमीटर, जब मैं क्रूज कंट्रोल में सेट करता हूँ ना वहाँ पे वो तो वहाँ पे वो क्रूज कंट्रोल का जो स्पीड है वो मैं वहाँ पे सेट करता हूँ. ओके जब वो क्रूज कंट्रोल सेट हो जाता है तो यहाँ पे ये जो व्हाइट है वैसा सेम ग्रीन कलर में आ जाता है कि इट्स करंटली रनिंग ऑन द क्रूज. ओके अगर मैं यहाँ पे अभी तो गाड़ी बंद है. ओके जब विल ड्राइव वो दिखा दूंगा. गाड़ी बंद है तभी भी एसी का ठंडा लग रहा है ऐसा कुछ, इसमें कुछ फीचर नहीं है? गाड़ी बंद नहीं है, मतलब गाड़ी चालू ही है. ओके तो गाड़ी बहुत साइलेंट है तो इसके लिए और जीरो वाइब्रेशंस है तो आपको वो फील नहीं हो रहा है कि गाड़ी चालू है. हाँ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका आरपीएम सभी भी 10th पे है. ओके तो गाड़ी इज रनिंग चालू है और ऐसे समझ में नहीं आ रहा कि गाड़ी चालू है. गुड, दैट्स वेरी नाइस एक्चुअली. और यहाँ पे आपका फ्यूल एंड और आपको अगर इन डिटेल देखना है व्हीकल स्टेटस डेटा तो अपना आप यहाँ पे फ्लिकर हो रहा होगा कि कैमरा में एक्चुअली जरा फ्लिकर फ्लिकर नहीं हो रहा लेकिन कैमरे के अंदर फ्लिकरिंग हो रहा है फिलहाल. ओके एक कार डैशबोर्ड करके एक है उसमें आपको ये दिखेगा. मैं अभी ओपन करता हूँ. ये पूरा डिटेल बताएगा सीन स्टार्ट, मतलब आज जो मैंने आप लोग ने जो जर्नी चालू किया तो वो ट्रिप 22 किलोमीटर का कितना टाइम हुआ, कंजम्पशन कितना हो रहा है 14.7 बताएगा. ये फ्यूल इकोनॉमी है ना. ये फ्यूल इकोनॉमी है ठीक है ना. मींस 22 एवरेज स्पीड था, 14 का स्पीड होता है. ओके तो अभी ये 95 दिखा रहा है. ये पूरा लाइन दिखाता है आपको कि कितना रेंज है. ओके सिंस रिफ्यूल मतलब मैंने जब लास्ट टाइम पेट्रोल भरा था तब से ये कितना चला है. ओके गाड़ी तो एवरेज स्पीड 38 था, ट्रिप 260 का था. ये बहुत इंफॉर्मेटिव है. ये 14 मतलब मैंने जब से रिफ्यूल किया है वो सिस्टम पकड़ लेता है और टाइम कितना और ट्रैवल टाइम कितना हुआ. ओके और लॉन्ग टर्म मतलब ये पूरा दिखाएगा. ओके गॉट इट. ओके ये कंजम्पशन ये नहीं, ये टाइम क्या है ये थोड़ा अलग है. ओके 3 डेज नहीं रहेगा बट अभी तक मेरा जब से गाड़ी लिया है तब से 1881 किलोमीटर हो गया है. ओके एंड एवरेज स्पीड 26 था और तब से मेरे को 12.8 का उसने माइलेज, 13-14 माइलेज लोकल पे मिला. दैट इज गुड ना फॉर दिस रेंज ऑफ कार और ये साइज के साइज के हिसाब से तो अच्छा है क्योंकि मेरा प्रीवियस डैटसन था वो भी उतना ही देता था. ओके तो ऐसा कुछ ये नहीं था. ओके और यहाँ पे आपको ऑन यहाँ पे मिलेगा ट्रैक्शन कंट्रोल ERS तो वो आप ऑन ऑफ यहाँ. ओके तो ये ट्रैक्शन कंट्रोल है कहाँ पे यूज होता है? ये ड्रिफ्टिंग के लिए होता है. तो आपको सपोज गाड़ी ड्रिफ्ट करना है. ओके जैसे कोई इंतियाज है तो गाड़ी ये ड्रिफ्ट करने अलाउड नहीं करता तो आपको ट्रैक्शन कंट्रोल बंद करना पड़ता है. ओके तो वो ट्रैक्शन कंट्रोल मतलब जो टायर बर्न करने का जो रहता है तो वो आप उससे कंट्रोल कर सकते हैं. जो जिसको कुछ बाकी ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आप देखेंगे तो इट्स वेरी सिंपल डिजाइन है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और प्लीजिंग टू आईज है. मैंने उसको सेल्टोस का देखा था वो हरा नीला ऐसा दिख रहा था. सो दैट इज ये प्रीमियम ऐसा लग रहा है. मतलब बहुत कलरफुल ऐसा नहीं चाहिए था मुझे भी, मतलब सिंपल एंड डिसेंट चाहिए था. हाँ डिसेंट. आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन ऑफ करो ऑडियो फिर आप डिवाइस कितने कनेक्ट कर सकते हो. ओके और ऐसे कुछ 5 डिवाइस आपके रियल टाइम में कनेक्ट होंगे तो एप्पल कार प्ले भी है और एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट हो जाता है. ओके प्लस इसमें ना एक डोंगल भी आता है. ओके अभी वो मैंने एक्चुअली स्कोडा वाले से फॉलो अप नहीं किया है, वो पेंडिंग है उनसे. मैं भी बिजी था तो मैं गया नहीं उसको फॉलो अप करने. तो बेसिकली वो इसका खुद का भी नेटवर्क आता है इसके अंदर. ओके ओके वो भी है उनका फीचर है. ओके बाद में यहाँ पे आप एप्स देख सकते हैं मीडिया. ओके कार. ओके और एक फीचर इसमें इंटरेस्टिंग लगा जब मैं ड्राइव करता रहूंगा. ओके फॉर एग्जांपल मैं मैप चालू कर रहा हूँ मुझे कुछ सर्च करना है तो मैं ड्राइव करने में टाइप करने जाऊंगा ना तो वो बोलेगा कि यू कैनॉट टाइप.
ओके यू आर ड्राइविंग करेक्ट करेक्ट सेफ्टी के लिए गुड फीचर सेफ्टी के लिए तो वो बोलता है कि वॉइस कमांड हो गिव अ वॉइस कमांड ओके इसके अंदर गेम्स भी है तो गेम्स भी है इसके अंदर तो बट ये देखिए गेम्स करके है स्नैक्स स्नेक वाला गेम हां तो ये सो ये सब गेम्स भी है बट ये सब कभी हम लोग जब गाड़ी होल्ड पे रहेगा तभी चलता है ओके ऐसा रनिंग मतलब को लगा कि आपका बाजू वाला सीट वाला उसको खेलना है गेम्स तो वो सब नहीं खेल सकता ओके बट है कि ऐसा फीचर्स है उसने ओके ओके अगर आप देखोगे अगर मैं अभी देखो रिवर्स डालता हूं ना तो भी वो मैसेज देता है लुक इज इट सेफ टू मूव ओके तो ऐसा बोलता है वो सो इट्स लाइक ठीक मतलब थोड़ा इंस्ट्रक्टिव है ब्राइटनेस है और यहां पे एक स्ट्रिप्ट है एलईडी का सो उसका लाइट आता है मुझे छोटा सा आप मोबाइल से शूट करके भेजना तो मैं वीडियो में ऐड करूंगा तो ये गाड़ी में आपको कूल ग्लो बॉक्स भी मिल रहा है ये भी फ्री में दिया था ये स्कोडा वाले ने दिया था दैट इज दिस इज गुड मैन आइडियली ये ऐसा कुछ फ्रेशनर विशनर बाकी कंपनी नहीं देता है बिलीव ना नहीं देता वो ठीक है अरे मैंने देखा है कि इसमें और एक्सेसरीज में ये सब यही मिला ना यहाँ पे ये एक्सेसरीज में आया था मैंने लैमिनेट करके लिया है गाड़ी बाहर से लैमिनेट करके लिया और सीट कवर्स मैंने चेंज किया है ओके मैंने थोड़ा अलग से सीट कवर्स ये बाहर से बिठाया है बाहर से मैंने बिठाया इसका कॉस्ट कितना था इसका कॉस्ट ऑलमोस्ट 8000 में हो गया था ये ना इधर एक्चुअली मैं बॉम्बे साइड नहीं गया मैं यहाँ से लोकल से ही करवाया बट 8000 सीट कवर्स और ये फ्लोर लैमिनेशन और फ्लोर लैमिनेशन का 2000 लिया उसने और ये इसका 10000 में हो मैट्रेस का ये मैट्रेस ये सब वो एक्सेसरीज का पैकेज आता है उसका कितना था पैकेज का उसका कुछ अप्रोक्स 7 या 8000 था सी उसमें दो पैकेजेस थे एक 7000 का है और एक 18000 का है ओके तो 18000 में कुछ बहुत कुछ अननेसेसरी चीजें था जैसे कुछ मूर्ति दे रहा था या दे रहा था बट आई डिडंट लाइक दैट कि मैंने अपना गणेश जी का मूर्ति था ओके और बहुत से कुछ चीजें थी दैट इज नॉट रिलेवेंट ओके तो मैंने जो बेसिक पैकेज था उनका जैसा मड फ्लैप जो इम्पोर्टेंट है जो मड फ्लैप है ये सब क्लीनिंग विनिंग का जो आइटम्स है ओके और फ्लोर मैटिंग वो उसमें आ गया था सो दैट इज गुड वो स्कोडा वाला खुद भी सजेस्ट करेगा कि क्यों ले रहे हो मतलब जेन्युइनली बोलेगा कि यार मतलब आपको अगर चाहिए ही तो ठीक है बट उसमें कर सकते हो तो ये कोडा कुशाक की की है यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कोडा का ब्रांडिंग भी है और ओवरऑल अच्छी की है गाड़ी का ठीक है अब गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लेंगे एक छोटा सा क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है एक छोटा सा टेस्ट ड्राइव करके मुझे कैसी लग रही है गाड़ी चलाने के लिए ना वो आपसे एक्सपीरियंस शेयर करूँगा ये गाड़ी में सिक्स स्पीड गेयर बॉक्स मिलता है आप देख सकते हो यहाँ पे ठीक है ओके यहाँ पे ये है यहाँ से आप एसी ऑन ऑफ कर सकते हैं बेसिकली अभी गाड़ी एसी ऑफ है गाड़ी चालू करेंगे हम गाड़ी को अब हम जरा खींचेंगे फर्स्ट गियर पे आप देख सकते हो जो फर्स्ट गियर पे जो पिकअप मिल रहा है ना बहुत ही अच्छा पिकअप मिल रहा है गाड़ी पे आप देख सकते हो जो रिस्पांस है इंजन का जो गाड़ी का रिस्पांस है बहुत ही अच्छा रिस्पांस है मन ये नॉर्मल 1 लीटर इंजन ऐसा नहीं है ये टर्बो चार्ज इंजन है और आपको गाड़ी जिसको वेटिंग पीरियड नहीं चाहिए और अच्छी गाड़ी चाहिए और जिसका बजट ये गाड़ी बेस मॉडल आपको 12-12.5 लाख और मिड सेगमेंट 14 के आसपास और टॉप मॉडल 16 लाख के यहाँ पे मिल सकती है और इसको अच्छा बिल्ड क्वालिटी चाहिए राइट तो ये डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस कार थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स टू श्री फॉर हिज टाइम एंड ऑल हिज एफर्ट्स फॉर शेयरिंग ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्कोडा कुशाक मुझे लग रहा है ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगी और डेफिनेटली आपको गाड़ी का परचेस करने के लिए ये गाड़ी ये इंफॉर्मेशन आपको यूजफुल रहेगी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सी यू सून